राष्ट्रीय फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर शनिवार को सर्वजन दवा सेवन अभियान की शुरुआत की गई। वहीं इसको लेकर भागलपुर के उर्दू बाजार स्थित मध्य विद्यालय में फलेरिया की दवा DEC और अल्बेंडेजोल खिलाने के बाद काफ़ी संख्या में बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद बच्चों के परिजनों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं इसको लेकर जानकारी मिलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम समेत कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद लोगों को समझा बुझाकर बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा करते हुए प्रधानाध्यापक के साथ हाथापाई भी की। बता दें कि सदर अस्पताल समेत मायागंज अस्पताल में भर्ती कराए गए सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है, जबकि अधिकतर बच्चे स्वस्थ होकर परिजनों के साथ अपने अपने घर लौट चुके हैं। 10 फरवरी से फलेरिया की दवा बांटे जाने की सूचना पहले ही जारी कर दी गई थी, जिसके तहत फलेरिया से बचाव एवं इसके उन्मूलन के लिए स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर दवा बांटी जा रही है। इसको लेकर विभाग की ओर से पहले ही जरूरी सावधानी बरतने की बात विस्तार से बताई जा चुकी थी, लेकिन जागरूकता के अभाव में बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर तत्काल अफरा तफरी मच गई, लेकिन जिला एवं पुलिस प्रशासन की सूझबूझ के कारण स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया, जबकि बच्चों की हालत बिगड़ती देख तत्काल दवाई बांटने का काम रोक दिया गया है। इसके बाद आनन-फानन में बच्चों को इलाज के लिए एम्बुलेंस और निजी वाहनों से अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम ने बच्चों का इलाज किया। तुम खाई है और को और कौन कौन खाया है? कैसा लग रहा है? अरे रुको थोड़ा सुनने दो, माथा दर्द कर रहा है। कब खाई थी? दो बजे। और कौन सा क्या कह के खिलाया था दवाई? गोर मोटा होता था ना, इसलिए। क्या कुछ बोले? गोर मोटा होता है, तबीयत खराब होता है, इसलिए छूट जाएगा, इसलिए खिला दिया। हम लोग नहीं खाते थे। भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोदीपुर होटल के समीप शनिवार की सुबह दो ट्रकों के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रकों के फरकच्चे उड़ गए, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर गाड़ी में फंस गया, जिसे पुलिस ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया और आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना को लेकर बताया गया कि एक ट्रक अमरपुर से भागलपुर की ओर जा रहा था, जबकि दूसरा ट्रक भागलपुर से अमरपुर की ओर जा रहा था। इसी बीच जगदीशपुर थाना क्षेत्र स्थित मोदीपुर होटल के समीप दोनों ट्रकों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जगदीशपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल ट्रक पुलिस के कब्जे में है, जहां एक ट्रक ड्राइवर मुंगेर का बताया जा रहा है तो वहीं दूसरा भागलपुर का। वही लगभग 4:30 बजे मतलब इधर से आ रहा था मुंगेर से रोड करके, मुंगेर का गाड़ी है और इधर से वो 12 चक्का जा रहा था भागलपुर तरफ से बौसी के लिए, अमरपुर के लिए ये जा रहा था भागलपुर टिपर। अच्छा। दोनों आमने सामने लड़ गया, ड्राइवर उसमें फंस गया था। फिर हम लोग निकाले उसको, भेजे थाना, फोन किए बड़ाबू को, फिर बड़ाबू आए तब फिर उसको ले गए। ये घटना कितने बजे का है? वही 4:30 बजे। माघ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात्रि को होने वाली माघी काली पूजा को लेकर भागलपुर बांका समेत कई जगहों पर भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला। इसको लेकर देर रात्रि तांत्रिक और बंगला पद्धति से पूरी विधि विधान के साथ मां काली की पूजा अर्चना वैदिक मंत्रोच्चार के बीच की गई, जिसके बाद शनिवार की सुबह से ही माता माघी काली के दरबार में पूजन और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। वहीं बांका अमरपुर स्थित डुमरावा में माघी काली पूजा एवं प्रतिमा दर्शन के लिए विभिन्न जगहों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा। बता दें कि डुमरावा की मां काली काफ़ी प्रसिद्ध है। यहां गांव के अलावा बिहार झारखंड समेत देश विदेश से भी श्रद्धालु माघी काली पूजा के अवसर पर पहुँचते हैं। इधर भागलपुर के भीकनपुर और वारसलीगंज मिर्जानहाट समेत कई जगहों पर भी माता काली की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा पंडाल के समक्ष पहुंचकर पूजा समिति के लोगों को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही पुलिस अधिकारी ने पूजा समिति से जुड़े सभी सदस्यों और समाज के लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पूजा समारोह सम्पन्न करने की एवं अश्लील गानों को नहीं बजाने की बात कही। इसके अलावा किसी भी तरह के उपद्रव या शांति भंग करने वालों की शिकायत पुलिस में करने की सलाह दी गई है।
भागलपुर के जगदीशपुर थाना पुलिस ने शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर एक ऑटो में ले जा रहे भारी मात्रा में शराब की खेप को पकड़ लिया। पुलिस ने शराब ले जा रहे दो तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान गोड्डा झारखंड के बसंतराय निवासी अजय कुमार और नीतीश कुमार के रूप में हुई है। बता दें कि जगदीशपुर पुलिस को शराब की बड़ी खेप झारखंड से भागलपुर लाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद जगदीशपुर थाना अध्यक्ष गणेश कुमार ने टीम गठन कर सन्होला मोड़ पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान जब ऑटो की जांच की गई तो ऑटो के अंदर से 95 बोतल विदेशी एवं 116 लीटर देशी शराब बरामद किया गया। थाना अध्यक्ष गणेश कुमार ने बताया कि विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करते हुए शराब एवं ऑटो को जब्त कर लिया गया है, साथ ही आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर जगदीशपुर कार्यालय में निवर्तमान CEO सुजीत कुमार सुधन यादव को शनिवार को विदाई दी गई, जबकि नवपदस्थापित CEO स्मिता कुमारी का स्वागत कार्यक्रम आयोजित कर किया गया। कार्यक्रम में अंचल और प्रखंड के सभी कर्मियों ने दोनों CEO को अंगवस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान तबादले के बाद विदा हो रहे CEO ने बताया कि जगदीशपुर में काम के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे दूसरे जगह पर कार्य करने में उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं पदस्थापित CEO ने कहा कि दाखिल खारिज, परिमार्जन और जमीन संबंधित विवादों को सुलझाने का वो बेहतर प्रयास करेंगी। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद, प्रधान लिपिक सब्बीर आलम, कर्मचारी राधे सिंह, सूरज कुमार, पप्पू कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। आज जैसा कि आप लोगों को विदित है कि CEO साहब हमारे सुजीत जी कर्मठ और लगनशील एक पदाधिकारी के रूप में अपनी छवि यहाँ कायम किए हुए थे, इनकी विदाई है, साथ में मैडम का स्वागत समारोह का ये आयोजन है। मैं CEO साहब के बारे में कितना भी बोलूं, जितना भी बोलूंगा वो कम होगा। एक मिलनसार, मृदुभाषी, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। ये जहां भी जाएंगे अपनी पहचान छोड़ेंगे, और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि ये और अच्छे पद पर पहुंचे, ताकि हम लोगों को भी एक महसूस हो, एक गर्व महसूस हो कि हमारे साथ काम किए हुए हमारे छोटे भाई के समान हमारे CEO साहब आज अच्छे पद पर, इस पद पर पहुँच गए हैं। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के नवादा पंचायत में शनिवार को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत WPO कचरा प्रबंधन का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, पंचायती राज्य पदाधिकारी नीलिमा कुमारी, नवादा मुखिया वंदना रानी एवं प्रखंड समन्वय अमिता सिन्हा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया। इस दौरान उद्घाटनकर्ताओं ने कचरा उठाव के बारे में सफाई कर्मियों को बताया कि सूखा एवं गीला कचरा के लिए घर घर जाकर कचरा उठाया जाएगा, जिसे WPO में जमा किया जाएगा। WPO में कचरों को रासायनिक खाद में बदलकर किसानों को कम रेट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी प्रणव प्रांजल, नवादा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर मंडल, अनुरंजन कुमार समेत प्रखंड के अन्य पदाधिकारी एवं सफाई कर्मचारी मौजूद थे। इस गलीचे का निर्माण एक समय अवधि में पूरा कर लिया गया, और अब ये सुचारू रूप से चालू होगा। आप सभी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका दायित्व ये होगा जो भी इस वार्ड के लिए चयनित हैं।
भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर थानाध्यक्ष प्रियरंजन की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान थानाध्यक्ष ने बताया कि सरस्वती पूजा को लेकर थाना क्षेत्र के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने की अपील की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि माँ सरस्वती की विसर्जन यात्रा में डीजे एवं फूहड़ गानों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, उपसभापति नीलम देवी, महिला थानाध्यक्ष संगम कुमारी सहित स्थानीय समाज सेवक एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सरस्वती पूजा को लेकर आज शांति समिति की मीटिंग थाना परिसर में की गई। हमारे वीडियो साहब, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदया और थाना क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग, विद्यार्थीगण उपस्थित हुए। सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को बता दिया गया। मोटा मोटी यही है कि कोई भी ऐसा कार्य न करें जो कानून सम्मत नहीं, जैसे डीजे प्रतिबंधित है। आप जुलूस निकाल रहे हैं तो उसका प्रॉपर आपको लाइसेंस लेना होगा। आपके द्वारा किसी तरह का ऐसा कार्य न किया जाए जिससे किसी भी तरह की किसी की भावना को आहत हो। अगर इस तरह की बातें होती है, पंडाल वगैरह की मजबूती, उसका सर्टिफिकेट लिया जाए, जो दिशा निर्देश हैं उन सब लोगों को अच्छे तरह बता दिया गया है ताकि पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। अगर इसमें किसी तरह का कोताही देखा जाता है तो फिर जो भी कानून सम्मत कठोर कार्रवाई होगी वो की जाए, उसमें किसी भी प्रकार का मरोड़ नहीं होगा।